हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग्स में स्वागत है। अभी आप देख सकते हैं कि मैं आरा स्टेशन पर स्थित हूँ और यहाँ से मैं एक सबसे बड़ा दुर्गा पूजा पंडाल के पास लेकर चलने वाला हूँ। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि ये आरा जंक्शन का फ्रंट है और यहाँ से हम लोग सीधे चलने वाले हैं सरकारी बस स्टैंड। ठीक है, तो सरकारी बस स्टैंड के पास बहुत ही बड़ा दुर्गा पूजा पंडाल बनकर रेडी हो रहा है। मुझे तो लगता है कि ये सबसे ज़्यादातर मतलब हाइट होने वाला है इसका पूरे आरा पंडालों में से एक। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं और यहाँ से आप जैसे ही बाहर निकलते हैं स्टेशन परिसर से, तो आपको राइट साइड में नहीं जा करके आपको लेफ्ट साइड में जाना होगा। तो ये रास्ता आप लोगों को लेफ्ट साइड में आकर के यहाँ जो चौराहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारी टेम्पो स्टैंड लगी रहती है। यहाँ से विभिन्न जगहों के लिए आपको टेम्पो मिल जाती है। तो सामने आपको बस अड्डा दिख रहा होगा, सरकारी बस अड्डा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि मैं अभी सरकारी बस अड्डा के ठीक सामने स्थित हूँ और यहाँ से मैं आपको सीधे पंडाल में प्रवेश कर दूँगा। तो ये मेरे राइट साइड में आप देख सकते हैं दीवाल सरकारी बस अड्डा का। तो चलिए मैं आप लोगों को सीधे पंडाल में लेकर चलता हूँ और वहाँ दिखाता हूँ कि कितना बड़ा पंडाल यहाँ का बनने वाला है। तो आप देख सकते हैं ये सरकारी बस अड्डा का दुर्गा पूजा पंडाल आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं और ये सामने सरकारी बस दिख रही होंगी आप लोगों को। तो यहीं से हर जगह के लिए आप लोग को सरकारी बस मिलती है। तो यहां मैं बात कर लूँ कि सरकारी बस अड्डा पर सबसे बड़ा दुर्गा पूजा पंडाल आपको बनकर रेडी हो रहा है, लेकिन मुझे यहां पर अनुभव नहीं मतलब पता नहीं चल पाया। कहने का अर्थ है कि यहां कौन सा थीम ये बन रहा है, कहीं पर पोस्टर वगैरह वगैरह नहीं दिखा मुझे। तो चलिए फाइनल जो लुक होगा वो मैं आपके सामने रिव्यू करने का प्रयास करूंगा। तब तक अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। और मैंने यहाँ पर थीम पता करने की मतलब कोशिश किया, लेकिन यहाँ पर किसी ने बताया नहीं कि कौन सा ये थीम मतलब तैयार हो रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अंदर देखते हैं कि क्या ये तो बाहर का लोकेशन हो गया कि बाहर पंडाल बनाकर रेडी किया जा रहा है, और अंदर चलकर देखते हैं कि माँ का जो मूर्ति जो स्थापित करने का पेडस्टल है वो किस प्रकार से तैयारी किया जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मूर्ति का जो पेडस्टल है जिस पर हम लोग मूर्ति रखते हैं उसको हम लोग पेडस्टल कहते हैं। तो इस पेडस्टल को बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि लमसम 6-7 कारीगर जो है लगे हुए हैं, मतलब पेडस्टल को प्रिपेयर करने में, पंडाल को प्रिपेयर करने में अलग से लोग लगे हुए हैं, साथ ही साथ पेडस्टल को प्रिपेयर करने में अलग से लोग लगे हुए हैं। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मतलब दिन रात ये लोग मेहनत कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पंडाल को प्रिपेयर किया जा सके, क्योंकि अब कुछ ही दिनों के बाद आप देख सकते हैं कि आज आपको 30 सितंबर हो गया, कल से 1 सितंबर हो जाएगा, 3 तारीख से तो आपको सप्तमी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिन रात लोग मेहनत करते हैं और पूजा पंडाल को तैयारी करने में जुट चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि फोम का कारोबार जो है, यहाँ पर कारीगर जो है फोम का मतलब रेडी कर रहे हैं फोम वगैरह वगैरह जो आगे आप लोग को देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार से सरकारी बस अड्डा का जो दुर्गा पूजा पंडाल है बहुत ही भव्य होने वाला है। पूरे आरा भर में मुझे लगता है कि नंबर वन जाएगा, लेकिन आपका क्या ख्याल है? और अगर आप लोग आरा से हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को, ताकि ये दुर्गा पूजा पंडाल एक बार अवश्य पधारे और यहाँ का दुर्गा पूजा पंडाल इतना फेमस और इतना बड़ा होने वाला है कि आप देखकर तंग रह जाएंगे। यहाँ पर देखिए जो कारीगर हैं यहाँ पर कुछ काम कर रहे हैं फोम का, तो मैंने सोचा आप लोग को दिखा दूँ कि किस प्रकार से एक पंडाल को रेडी करने में कितने लोगों का बड़ा हाथ होता है। और यहाँ पर आपके समक्ष इतना सारा फोम रखा हुआ है। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी हमारे इस वीडियो को पूर्ण रूप से अंत तक देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे भी बड़ा बड़ा पंडाल हमारे आरा में बनने वाला है, तो आपको अगर वो देखना है तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए एक नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आप लोगों के साथ, तब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।